हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लीटकोड बाई वीकली कॉन्टेस्ट 97 की थर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है मैक्सिमाइज विन फ्रॉम टू सेगमेंट्स और कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक एरे दिया हुआ है जो कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। बेसिकली एरे एलिमेंट्स आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे 1 1 2 2 3 3 5, ये कभी भी डिक्रीज नहीं होंगे। और आपको एक के दिया हुआ है। आपको क्या करना है, दो रेंज चुननी है। आपको दो रेंज चुननी है, जैसे मान लो आपने एक रेंज चुनी 1 2 3 और 2 2 4। तो इस रेंज के जो भी एलिमेंट्स होंगे, इस रेंज में जैसे क्या है, 1 आ रहा है 1 आ रहा है, 2 आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है 3 आ रहा है, 5 आपकी चुनी हुई रेंज के बाहर है। तो जो जो इन रेंज में आ रहे हैं, आइधर 1 2 3 और 2 2 4 इंक्लूसिव है ये, इस रेंज में जो जो आ रहे हैं वो आपके एलिमेंट्स हो गए। तो आपको इनका काउंट रिटर्न करना है, 1 2 3 4 5 6। इस केस में 6 आए तो आपको इस पॉसिबल रेंज का मैक्सिमम काउंट, आप कुछ भी रेंज चुन सकते हो, ये वो रेंज किसकी होनी चाहिए, के, जैसे 1 2 3 2 2 4। ऐसी दो रेंज चुननी है, उसमें से जो जो एरे के एलिमेंट्स आप ले सकते हो वो सब लेने हैं और ऐसा मैक्सिमम काउंट रिटर्न करना है। जैसे अगर हमने रेंज चुनी 1 2 3 और 2 2 4, इस केस में हम कितने चुन पा रहे हैं, 6 एलिमेंट्स चुन पा रहे हैं। अगर मैं रेंज ये चुनता 1 2 3 और 3 2 5, उस केस में क्या होता, मैं ये सारे के सारे एलिमेंट चुन पाता, मैं 7 के 7 एलिमेंट्स चुन पाता। तो उस केस में मुझे आंसर क्या रिटर्न करना है, 7, जो भी मेरा मैक्सिमम है वो मुझे रिटर्न करना है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देखें, एरे आपका 1 2 3 4, के है 0। के 0 का क्या मतलब है, आप कोई सिंगल रेंज चुन सकते हो, जैसे 1 2 1 की, 2 2 2 की, 3 2 3 की, 4 2 4 की, एंड सो ऑन। आप ये रेंज चुन सकते हो। तो मैं अगर कोई भी रेंज चुनूँ, इसमें से क्या होगा, 1 2 1 चुनूंगा तो ये एक एलिमेंट, 2 2 2 चुनूंगा तो एक एलिमेंट। तो इस तरह से मेरा मैक्सिमम आंसर कितना आ सकता है, 2। तो मुझे वो रिटर्न करना है। तो बेसिकली मुझे क्या दिया हुआ है, एक एरे दिया हुआ है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एक के दिया हुआ है, के मेरी क्या है, जो रेंज में चुन सकता हूँ। इस तरह से मुझे दो रेंजेस चुननी है। रेंजेस क्या होंगी, के की रेंज होगी और दो रेंजेस चुननी है। उस रेंज के अंदर जो जो एरे के एलिमेंट आएंगे वो एलिमेंट मैं चुन सकता हूँ और इस तरह से मुझे मैक्सिमम काउंट रिटर्न करना है। प्रॉब्लम के मेरे कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, मेरा एरे का साइज क्या हो सकता है, 10^5 का। हर एक एलिमेंट की वैल्यू क्या हो सकती है, 10^9 की। मेरी रेंज कहाँ तक हो सकती है, के 10^9 तक की। तो ये 10^5 का क्या मतलब है कि मैं एन स्क्वेयर नहीं कर सकता। एन स्क्वेयर केस मेरा क्या हो जाएगा, 10^10 हो जाएगा। मुझे कुछ बेटर देखना पड़ेगा, इधर एन लॉग एन और फिर एन। तो अगर मेरी इस प्रॉब्लम में दो रेंज ना चुननी होती, मुझे दिया होता केवल आपको एक रेंज चुन के मैक्सिमम बताना है। अगर मुझे केवल एक रेंज चुन के मैक्सिमम बताना होता तो मैं क्या यूज़ कर सकता था, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ कर सकता था। कैसे, इसको एक एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया जिसमें एरे एलिमेंट्स है 1 1 3 3 6 7 9 और 12 और मैं के को मान लेता हूँ 2। तो अगर मुझे केवल एक रेंज चुननी होती तो मैं क्या करता, मैं यहाँ से शुरू करता, मैं इस एलिमेंट से शुरू करता, फिर देखता कि मैं कितने कवर कर सकता हूँ। मेरा फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, मैं 1 से 1+2 3 तक की रेंज के सारे एलिमेंट चुन सकता हूँ इसमें, यहाँ तक मैं रेंज ले सकता हूँ। तो मैं सीधा यहाँ तक देखता कि मैं यहाँ तक के एलिमेंट तो चुन सकता हूँ। मैं एक आंसर वेरिएबल लेता जिसे मेरा काउंट हो जाता 4, कि मैं इस रेंज में 4 चुन पाया। फिर मैं क्या करता, बचे हुए एलिमेंट्स को कंसिडर करने की कोशिश करता, मैं यहाँ पर आता, 6 पर आता। तो इस केस में अगर मुझे ये एलिमेंट लेना हो तो मेरी रेंज क्या हो जाएगी, 6 - 4, 4 to 6 रेंज हो जाएगी। तो मैं इस रेंज के लिए देखता तो मेरा राइट वेरिएबल मेरा आ जाता यहाँ पर, लेफ्ट मेरा कहाँ पर आ जाता, 4 पर। 4 भी क्या है, यहीं पर ही आएगा, मैं इसे तो ले नहीं सकता। तो मेरी लेफ्ट और राइट ये विंडो मेरी इतनी हो जाती। इस केस में मेरा कितना ले सकता हूँ, मैं 1 ले सकता हूँ। तो इसलिए मैं क्या करता, मेरे 1 और 4 को कंपेयर करता, अभी भी मेरा आंसर क्या रहता, 4 पर रहता। फिर मैं क्या करता, राइट विंडो को एक्सपेंड करने की कोशिश करता। मेरी राइट विंडो एक्सपेंड होकर कहाँ पर आ जाती, यहाँ पर, यहाँ तक ले सकता था 8 तक। मेरे कितना हो जाती है, 2 2 और 4 को कंपेयर करता, आंसर अभी भी रहता 4। फिर मैं आता राइट विंडो को यहाँ पर एक्सपेंड करता, लेकिन ये चेक करता ये तो आउट ऑफ रेंज हो गया, तो मुझे क्या करना पड़ता, लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना पड़ता। लेफ्ट विंडो को मैं लेकर आता यहाँ पर, अब ये मेरे 7 और 9, ये दोनों रेंज में है, इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, तो ये रेंज में। फिर से मेरा आंसर आता 2। तो मैं इसको अपडेट करता और आंसर से कंपेयर करता, 4 अभी भी मेरा मैक्सिमम है। फिर मैं क्या करता, राइट विंडो को एक्सपेंड करता, यहाँ पर लाता, लेकिन अब ये डिफरेंस कितना आ गया, 3 का डिफरेंस, मेरी विंडो के बाहर हो गई। तो मुझे लेफ्ट विंडो को श्रिंक करना पड़ेगा, मेरी लेफ्ट विंडो भी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी, जिसमें क्या होगा, एक ही एलिमेंट होगा। मैं 1 और 4 को कंपेयर करता, मेरा मैक्सिमम कितना आता, 4, जो क्या होती ये वाली विंडो, जो मेरी स्टार्टिंग की विंडो थी,
ये वाली विंडो मेरी मैक्सिमम होती, तो मैं क्या रिटर्न कर देता, 4 रिटर्न कर देता। तो अगर मुझे केवल एक ही सेगमेंट चुनना होता तो मैं स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाकर अपना मैक्सिमम आंसर रिटर्न कर सकता था, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन में मुझे क्या करना है, एक नहीं मुझे दो ऐसे सेगमेंट चुनने हैं और फिर मैक्सिमम रिटर्न करना है। तो अब अगर मैं दो रेंजेस के लिए स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाना चाहूँ तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा। बेसिकली मान लो मेरा एक सेगमेंट मैं ये कंसिडर कर रहा हूँ और मेरे पास ये इंफॉर्मेशन होती, इससे प्रीवियस सेगमेंट, इस सेगमेंट का मैक्सिमम आंसर कितना है, इस सेगमेंट में जो इससे पहले वाला सेगमेंट है इसमें मुझे अगर एक सेगमेंट चुनने की चॉइस होती तो मैं कितना मैक्सिमम आंसर अचीव कर सकता था। अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन होती तो मैं क्या करता, इसका मैक्स एक सेगमेंट क्या लेता, जो भी इसका मैक्स आंसर है वो वाला, और एक सेगमेंट क्या लेता मैं, ये करंट वाला जो मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड करता, वो मेरा करंट आंसर हो जाता, उसको मैं मैक्सिमम आंसर से कंपेयर करता और जो भी मैक्सिमम आता उसको मैं रिटर्न कर देता, राइट। सेम चीज़ अगर मान लो मैं ये वाला सेगमेंट कंसिडर कर रहा होता, मेरा करंट सेगमेंट मैं ये कंसिडर कर रहा होता और मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन होती कि इससे पहले यहाँ तक के सेगमेंट में अगर मुझे एक रेंज चुननी होती और उसका मैक्सिमम आंसर कितना होता, अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी होती तो मैं क्या करता, इस इन्फॉर्मेशन प्लस करंट रेंज के एलिमेंट्स इनको सम करता और वे मेरी दो रेंज को चुनने वाला आंसर आ जाता। एक सेगमेंट इनमें से, एक सेगमेंट मेरा करंट, इन दोनों का सम करता तो मेरा दो जो मैं रेंज चुनना चाह रहा हूँ उनका एक सम ले सकता था। ये प्रोसीजर मैं सारे एलिमेंट्स के लिए फॉलो करता, सारे सेगमेंट के लिए जो मैंने फर्स्ट अभी फॉलो किया था सिंगल रेंज के लिए वो फॉलो करता, और इस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके मैं दो सेगमेंट के लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता था। इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल के हेल्प से देख लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने जो इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे थे कि हमारे पास पहले वाले अगर इन्फॉर्मेशन होती, फर्स्ट रेंज की अगर इन्फॉर्मेशन होती कि उसमें एक सेगमेंट चुनने का मैक्सिमम क्या है, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए बेसिकली मैंने क्या लिया है, एक डी पी आर ए ले लिया, डी पी आर ए एन साइज़ का, जितना मेरा ये साइज़ था एन साइज़ का, डी पी ऑफ आई, डी पी ऑफ आई में मैं क्या स्टोर करूँगा कि ज़ीरो से लेकर, जैसे मैं अगर डी पी ऑफ फाइव लूँ कि ज़ीरो से लेकर फाइव तक अगर मेरे पास ये एरे एलिमेंट्स होते, इतना ही मेरा एरे होता, इसमें से अगर मुझे एक सेगमेंट लेना होता के साइज़ का, इसमें से अगर मुझे एक सेगमेंट लेना होता के साइज़ का, तो मैं कितना मैक्सिमम एलिमेंट्स अचीव कर सकता था, मैं कितना मैक्सिमम आंसर अचीव कर सकता था, ये मैं स्टोर करूँगा। जैसे हमने देखा था कि हम कितना मैक्सिमम अचीव कर पा रहे थे, ये 4, तो डी पी ओ 5 का स्टोर करेगा 4, कि अगर मेरे पास इतने एलिमेंट होते के की वैल्यू 2 होती तो इसमें मैं कितना मैक्सिमम आंसर अचीव कर सकता था, 4 अचीव कर सकता था। और इसके बाद मैं क्या देखूंगा कि मैं ये वाला सेगमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, मान लो ये वाला सेगमेंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो इसमें कितना आया, मेरा एक एलिमेंट है प्लस 1, 4 प्लस 1 मेरा कितना आ जाता दो सेगमेंट चुनने का यहाँ तक का 5, इस 5 को जो भी मैं आंसर स्टोर कर रहा था उससे कंपेयर करता और आंसर को अपडेट करता जाता। एक बार हम इस पूरे एग्जाम्पल का ड्राई रन देख लेते हैं के की वैल्यू 2 के लिए। स्लाइडिंग विंडो में हमारा क्या होता है, सबसे पहले एल और आर हमारे 0 को पॉइंट कर रहे होते हैं, बेसिकली हमारा बाउंड्री साइज इतना होता है। इसमें मेरे कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, और इससे पहले मेरा कोई एरे ही नहीं है, तो डी पी से क्या आएगा, 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। अभी मेरे आंसर में ये होगा, और यही चीज़ मैं यहाँ पर भी अपडेट कर दूंगा डी पी में, कि अगर मुझे केवल एक एलिमेंट दिया होता और मुझे एक रेंज चुननी होती जो कि के 2 था, तो मैं कितना मैक्सिमम अचीव कर सकता था, 1 अचीव कर सकता था, राइट। फिर मैं क्या करते हैं, राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं, राइट बाउंड्री यहाँ पर आएगी, अभी भी रेंज में, तो मेरा आंसर किस में अपडेट हो जाएगा, 2 में, डी पी में क्या आ जाएगा, 2, इसी तरह यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, ये सारे रेंज में, तो आर मेरा यहाँ तक आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा और आंसर भी मेरा क्या अपडेट हो जाएगा, 4 पर। अभी हमारी करंट विंडो ये है, और इस केस में हम क्या करेंगे, राइट बाउंड्री को फिर से एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, राइट बाउंड्री यहाँ पर आएगी, लेकिन इस केस में क्या होगा, मेरा जो ये लेफ्ट बाउंड्री था 6 माइनस 2, इसकी रेंज के बाहर चला जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा। श्रिंक होते होते मेरी लेफ्ट बाउंड्री कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आना पड़ेगा लेफ्ट बाउंड्री को, आर अभी मेरा यहाँ पर है और एल को भी मेरे यहाँ पर आना पड़ेगा, तभी रेंज में आएगा। तो इस केस में मेरे करंट सेगमेंट में कितने एलिमेंट है, 1 एलिमेंट है, मुझे चुनने कितने थे, 2 सेगमेंट चुनने थे, एक सेगमेंट तो मैंने ये करंट सेगमेंट है, दूसरा सेगमेंट मैं इससे पहले वाले में से चुनूंगा, इसकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी स्टोर करता जा रहा हूँ कि इससे पहले वाले रेंज में मुझे अगर एक सेगमेंट चुनने की इजाज़त दी जाए जो के 2 साइज़ का हो,
तो मेरा मैक्सिमम कितना आ सकता है, वो क्या देगा मुझे DP3, क्योंकि 0 to 3 तक की इन्फॉर्मेशन किस में है, DP3 में, ये कितनी है 4, तो 4 + 1, अगर मुझे यहाँ तक 6 तक 2 सेगमेंट चुनने की इजाज़त हो तो मैं कितना अचीव कर सकता हूँ, 4 + 1 यानी कि 5, और आंसर में मेरा क्या अपडेट हो जाएगा, 5। पर मेरा DP में क्या अपडेट होगा, DP क्या स्टोर करता था कि यहाँ तक 0 to करंट रेंज तक अगर मैं केवल 1 सेगमेंट चूज सकूँ तो मैं मैक्सिमम कितना अचीव कर सकता हूँ, तो वो हमने देखा था कितना अचीव कर सकते हैं, 4। ये 4 कहाँ से आया, बेसिकली आइदर यहाँ से DP i-1, जो मैं इस एरे को इंक्लूड ना करके इतना ले पा रहा हूँ, आइदर DP i-1 या फिर करंट विंडो में मेरे जितने एलिमेंट हैं, बेसिकली R-L+1, ये मेरे करंट विंडो में एलिमेंट है, तो मैक्सिमम ऑफ आइदर DP-1 और R-L+1, इनमें से जो भी मैक्सिमम आएगा वो मेरा DP एरे में स्टोर हो जाएगा। अभी मेरा मैक्सिमम कितना है, 4, तो मेरा यहाँ पर 4 स्टोर हो गया। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा, यहाँ तक आएगी राइट बाउंड्री, राइट बाउंड्री में अभी कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए, और प्रीवियस कितने थे, 4, 0 to 3 तक का मैक्सिमम कितना था, 4, 4 + 2 6, तो मेरा आंसर क्या अपडेट हो जाएगा, 6। डीपी आर में मेरा क्या आएगा, आइदर DP i-1 यानी 4, या फिर R-L+1 जो कितना है 2, 2 और 4 का मैक्सिमम 4, तो DP में मेरा क्या जाएगा, 4। फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, राइट बाउंड्री को एक्सपेंड करना पड़ेगा, लेकिन अब मेरा 6 रेंज के बाहर चला जाएगा, तो मुझे एल बाउंड्री को श्रिंक करना पड़ेगा, तो मेरी एल बाउंड्री कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर मेरी एल बाउंड्री आ जाएगी, यहाँ पर मेरी एल बाउंड्री है, यहाँ पर राइट बाउंड्री है, यहाँ पर एक सेगमेंट है मेरा ये, जिसके अंदर कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और इससे पहले वाला 0 to यहाँ तक, 0 to 4th इंडेक्स तक की ये इन्फॉर्मेशन मुझे कौन देगा, DP of 4, 4 मेरा यहाँ का मैक्सिमम है, तो 4 + 2 कितना आएगा, 6, 6 को अगर मैं 6 से कंपेयर करूँ सेम ही है, तो मेरा आंसर क्या रह जाएगा, 6। और DP में क्या स्टोर होगा, i-1 जो कि 4 है, या फिर R-L+1, R-L+1 कितना है मेरा, 2, तो अभी भी मेरा DP में 4 ही स्टोर होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे, मेरी राइट बाउंड्री कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर, लेकिन अब 7 और 9 मेरे क्या हुए, बाउंड्री से बाहर हो गए, तो मेरी लेफ्ट बाउंड्री को यहाँ पर आना पड़ेगा, मेरी लेफ्ट बाउंड्री को यहाँ पर आना पड़ेगा, तो अभी मेरी करंट विंडो में कितने एलिमेंट है, 1, और इस रेंज का मैक्सिमम मुझे कौन देगा, DP of 6, DP of 6 में अभी क्या है, 4, तो 4 + 1 कितना है, 5, 5 को मैं करंट आंसर से कंपेयर करूँगा 6, तो मेरा आंसर किस पर रहेगा, 6 पर रहेगा, और मुझे DP को अपडेट करना है, DP कैसे अपडेट होगी, i-1 4, या फिर R-L+1, मेरी करंट विंडो का साइज कितना है, 1 ही है, तो मेरा DP में क्या आ जाएगा, 4। फिर मैं क्या करूँगा, आर बाउंड्री को एक्सपेंड करने की कोशिश करूँगा, मेरी आर बाउंड्री यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मेरा एरे बेसिकली एग्जॉस्ट हो गया, तो मैं यहीं से आंसर, जो भी मेरा मैक्सिमम आंसर होगा वो मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इस तरह से हम DP और स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो एक बार इस प्रॉब्लम का कोड देख लेते हैं। इस प्रॉब्लम में हमने सबसे पहले क्या लिया, एक लेफ्ट वेरिएबल जो कि हमारे लेफ्ट पार्ट ऑफ विंडो को कंट्रोल करेगा, राइट पार्ट ऑफ विंडो को हम लूप में कंट्रोल करेंगे आई वेरिएबल की हेल्प से। एक हमने लिया है आंसर, जिसमें हम आंसर स्टोर करेंगे कि कितना हमारा मैक्सिमम आंसर आ रहा है। हमने एन लिया जो भी हमारे आया था उसका साइज निकालने के लिए, हमने उसी साइज का DP ले लिया। फिर हमने लूप चलाया 0 to n, बेसिकली हर एक एरे एलिमेंट के हमने लूप चलाया। लूप के अंदर हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले हम चेक कर रहे थे कि हमारा लेफ्ट जो वाला पार्ट है वो बाउंड्री के बाहर तो नहीं चला गया, अगर बाउंड्री के बाहर चला गया है तो लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करो। उसकी कंडीशन क्या थी कि दोनों एलिमेंट का डिफरेंस, राइट बाउंड्री को हम किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आई से, राइट बाउंड्री पे जो एलिमेंट है और लेफ्ट बाउंड्री पे जो एलिमेंट है उसका डिफरेंस अगर के से बड़ा है, जो हमें के दिया है उससे अगर बड़ा है तो लेफ्ट बाउंड्री को श्रिंक करो, वही हम इस लूप की हेल्प से कर रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना था, जब हमारी लेफ्ट और राइट बाउंड्री आ गई तो हमें हमारे आंसर को अपडेट करना था और DP को अपडेट करना था। आंसर को हम अपडेट कैसे करते थे, हमारा करंट विंडो Right-L+1, करंट विंडो प्लस DP of Left-1 कि लेफ्ट पार्ट की जो इन्फॉर्मेशन आप DP में स्टोर कर रहे हैं वो, और i-left+1 बेसिकली करंट विंडो प्लस प्रीवियस विंडो का जो मैक्सिमम है, उन दोनों का सम कर रहे थे और उसको किससे कंपेयर कर रहे थे, आंसर से, जो भी मैक्सिमम होगा उसको हम आंसर में स्टोर कर रहे थे। यहाँ पर बस हमने एडिशनल चेक क्या लगाया कि अगर हमारी लेफ्ट विंडो 0 से बड़ी हो तभी हमें DP of Left-1 को कंसिडर करना है, अदरवाइज क्या होगा, अगर आपका लेफ्ट 0 होगा तो DP of Left-1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या लगाया कि आपका लेफ्ट ग्रेटर देन 0 हो
तब ये आप डीपी ऑफ लेफ्ट माइनस वन को इसमें प्लस करो, अदरवाइज क्या करो सिंपल करंट विंडो और आंसर को कंपेयर करके वो आंसर में स्टोर कर दो। तो यहाँ से तो क्या हुआ, हमारा आंसर अपडेट हो गया, और हमें क्या करना था, डीपी को अपडेट करना था। तो डीपी को हम कैसे अपडेट करते थे, मैक्सिमम ऑफ डीपी माइनस वन और करंट विंडो आई माइनस लेफ्ट प्लस वन, करंट विंडो के एलिमेंट्स या फिर डीपी ऑफ आई माइनस वन, इस तरह से हम डीपी को अपडेट करते थे। तो सेम चेक हमें यहाँ पर भी लगाना है कि आई अगर जीरो से बड़ा हो तभी आपको ये डी पी आई माइनस वन कंसिडर करना है, अदरवाइज वही आपका नेगेटिव हो जाएगा और वो हमें नहीं करना है। तो आई अगर जीरो से बड़ा है तो डी पी आई माइनस वन और करंट विंडो के एलिमेंट को कंपेयर करो और उसका मैक्सिमम डी पी आई में स्टोर कर दो, अदरवाइज करंट विंडो के जो एलिमेंट है वो डी पी ऑफ आई में स्टोर कर दो। इस तरह से आप लूप के अंदर अपनी पूरी स्लाइडिंग विंडो अप्रोच चलाते रहो, जिसके अंदर आप क्या यूज़ कर रहे हो डी पी का और करंट विंडो का, उसमें आप आंसर को स्टोर कर रहे हो और अपने डी पी आर ए को अपडेट कर रहे हो, और लास्ट में आप क्या करो आंसर को रिटर्न कर दो। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बेसिकली हम स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, एक बार राइट बाउंड्री जीरो टू एन तक जाएगी, एक बार लेफ्ट बाउंड्री जीरो टू एन तक जाएगी, तो आपकी ओ एन तो आएगी आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और हम क्या करें डी पी आर ए का यूज़ कर रहे हैं एन साइज का, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी आपकी क्या आएगी ओ एन। थैंक यू गाइस।